जी तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप। और आज का मेकअप भी जो सा ना वो मैं टोटल करूँगी एमजे मराकी की प्रोडक्ट से। तो जो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ यहाँ पर, ये जी तो फ्रेंड ये एमजे मराकी की डर्मा बेस है जिसका शेड नंबर है 2। तो आज का टोटल मेकअप मैं इसी से करने वाली हूँ, आई मेकअप। जी फ्रेंड ये ब्रश के ऊपर मैंने इसको ऐसे लिया बेस को और मैं आईज के ऊपर अप्लाई करूँगी। ये थोड़ी सी आपको काफ़ी है, इतनी सी ही इससे आपकी पूरी आईज कवर हो जाती है। अच्छा आज मैं गलती से ना राइट हैंड पे नेल लगा बैठी हूँ तो तकरीबन क्या ऑलमोस्ट इरिटेट ही कर रहे हैं मुझे, बट ये भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि जो काम नहीं होता वो भी करके देखते हैं। और आप देख रहे हैं मैं कितनी मुश्किलों से बेस अप्लाई कर रही हूँ। जी देख रहे हैं इसकी कवरेज कितनी ज़बरदस्त है। जी तो फ्रेंड हाईलाइटिंग से स्टार्ट करते हैं। ये छोटी सी किट है, बहुत ज़बरदस्त इसके शेड्स भी हैं और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है। तो इस ब्रश के साथ मैं हाईलाइटिंग से स्टार्ट करती हूँ आज का मेकअप। और मेकअप करने के काफ़ी तरीक़ेकार होते हैं, आप अपनी फेवरेट ट्रिक्स यूज़ करके आप कर सकते हैं मेकअप को। तो आज का जो मैं मेकअप कर रही हूँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ हाईलाइटिंग से। अच्छा मैं अक्सर हाईलाइटिंग करती हूँ तो किस रोज़ के सेटिंग स्प्रे के साथ करती हूँ, सही होता है। काफ़ी अक्सर लोग कहते हैं कि हाईलाइटिंग जो है ना वो उड़ जाती है, तो मैं सेटिंग स्प्रे के साथ हाईलाइटिंग करती हूँ तो वो उड़ती नहीं है, वो वहाँ पे ही रहती है। और मेरी अक्सर वीडियो में आप देखा होगा कि मेरा काफ़ी लॉन्ग टाइम मेकअप रहता है। जी तो हाईलाइटिंग हमारी डन हो चुकी है। जी तो फ्रेंड ज़ोएवा के 2 ब्रशेज़ मैंने यहाँ पर लिए, ये वाले इस गरीब की तो मैंने बहुत बुरी हालत कर दी थी बट साथ दे रहा है अभी भी। और ये वाला मैं आपको इसका और इसका काम दोनों का अलग अलग काम है मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल लाइट सा कलर मैंने लिया है जिसका नाम भी लाइट ही है। तो ये मैं ब्रश के साथ इसको पिक करूँगी, पिक करने के बाद आप देखेंगे जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो ये वाकई में ही लाइट कलर है। और आज का जो मैं मेकअप कर रही हूँ ना ये मेरा मोस्ट फेवरेट मेकअप है जो कि आजकल की ब्राइड्स को बहुत पसंद आता है ये वाला मेकअप, स्पेशली वलीमा मेकअप। देखने में बहुत सिंपल लगता है बट बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है। जी तो फ्रेंड सेम पैलेट में से मैं दूसरा शेड लूँगी, ये भी इसका नाम है फ्रूटी पीच कलर, ठीक है। तो इसको लूँगी मैं लाइट से सेम ब्रश के साथ पिक करूँगी। जी तो फ्रेंड बारी आ रही थी हमारे सेकंड ब्रश की, और तो ये मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया। वाओ आप देख रहे हैं इसकी पिगमेंटेशन सेटिंग स्प्रे के साथ कितनी ज़बरदस्त आ रही है शेड की पिगमेंटेशन। जी फ्रेंड इसको मैं अच्छे से वेट करके इसको मैंने सेटिंग स्प्रे के साथ ये क्रीज बना ली इसकी।
जी फ्रेंड, हमारे वेलवेट शेड हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर मैं आउटर कॉर्नर की जोन से लेट है आउटर कॉर्नर पर मैं बिल्कुल लाइट सा ब्राउन शेड में अप्लाई करूँगी। ज़्यादा डार्किश नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर आज जो हमारा मेकअप है तकरीबन वो मेरी कोशिश है मैं लाइट ही करूँ, जैसा कि आजकल वलीमा ब्राइडल मेकअप लुक मांगते हैं। आइज़ के आउटर कॉर्नर पर अगर आप कोई डार्कर शेड अप्लाई करते हो तो उसका एक मकसद होता है कि जिनकी आइज़ बहुत छोटी छोटी होती हैं उनकी आइज़ खिल के आ जाती हैं, ऐसे लंबी सी होके आ जाती हैं। जी तो ये हो गया मेरा मेकअप डन और अब बारी आ जाती है हमारे लाइनर की। जी अब लाइनर मैं अप्लाई करने लगी हूँ। लाइनर के लिए मैंने एक्वा का केक लाइनर लिया और मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रश लाइनर ब्रश है ये, और इस ब्रश के साथ मैं जब भी लाइनर अप्लाई करती हूँ तो वो विंग लाइनर ही अप्लाई करती हूँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा इस वीडियोज़ में देखा है कि लोग सबसे पहले लैशेस को अप्लाई करते हैं देन लाइनर अप्लाई करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले लाइनर अप्लाई करो देन आप लैशेस अप्लाई करते हो तो आपकी लैशेस बहुत ज़बरदस्त लगती हैं और आपकी आईज़ भी बहुत ज़्यादा निखर के और खुल के आती है। जी तो फ्रेंड, मैंने ऑफ कैमरा लैशेस को अप्लाई कर लिया था क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ी हुई इन नेल्स की वजह से। तो ये एमजे मराकी की लैश ग्लू है, बहुत ज़बरदस्त है, वन टाइम में बहुत अच्छे से लैशेस को पेस्ट कर देती है। तो ये आप देख रहे कि मैंने इतना टाइम नहीं मुझे लगा कि कितने अच्छे से मेरी लैशेज पेस्ट हो गई हैं, ये ड्राई भी हो चुकी है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो लैशेज़ मेरी बहुत अच्छे से अप्लाई हो चुकी हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एमजे मराके की लैश ग्लू। जी तो बारी आ जाती है अब हमारे फेस की, तो यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करने लगी हूँ हमेशा की तरह जस्ट गोल्ड का कलर कलेक्टर, जो कि मेरी स्किन टोन के साथ बिल्कुल मैच करता है। तो मुझे कमेंट भी आया था कि आप कलर कलेक्टर और भी अप्लाई करके दिखाएं हमें, डार्कर शेड भी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वो भी ट्राई करूँगी। आज कलर कलेक्टर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी स्किन का शेड है ना वो थोड़ा सा डल होया हुआ है क्योंकि मौसम बड़ा ख़राब है, स्किन ड्राई होती है तो उसके साथ आपकी स्किन की टोन भी ख़राब हो जाती है। यहाँ पर स्पेशली स्माइल लाइन आ जाती है, उसको आप अच्छे से कवर किया करें ताकि जब भी स्माइल करें या फेस को पिक बनाने के लिए टेढ़ा सीधा करें ना तो आपके फेस के ऊपर रिंकल्स या लाइंस ना आए। जी तो फ्रेंड, अब मैं स्टार्ट करने लगी अपनी बेस, और बेस मैंने ये ज़ेवा का छोटा ब्रश है 227 नंबर है इसका, तो इसके साथ मैं बेस अप्लाई करूंगी क्योंकि ये एमजे मराकी की बेस बहुत ज़्यादा पिगमेंटेटेड है, इसलिए इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हम अप्लाई करेंगे। We'll be right back.
ये ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है जिसके साथ मैं बेस को अप्लाई करूँगी। और ये आप देख रहे हैं, ये आप इसको वन टच बेस भी बोल सकते हैं।